Hello dear students, welcome to GK's class. Today we are going to see chapter 12, types of houses. Okay, so let's see what is there in the chapter. People live in different type of houses. The type of houses depend on climate and place. Okay, so here are given many kind of houses that people are using according to the weather, okay, and climate. Means जहाँ पे जैसा मौसम होगा हम उस तरह का, जैसा मौसम और जैसी ज़रूरत होगी, according to that we will choose the house. Okay, so let's see the kind of houses. Okay, identify each type of house and complete the sentence. Okay, means we have to see the picture and we have to see the explanation, okay, or the description, and according to the description we have to fill here in the blank the type of house. Okay, so let us see first one, what is there. First number, a dash is a house on wheels that can be towed by a vehicle. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा हाउस जो जिसमें व्हील्स लगी हुई होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाया जा सकता है ना, जिसमें व्हील्स लगी होती हैं, वो कौन सा होता है. तो व्हील्स आप इसमें से देखो किसमें व्हील, कि कौन से घर में व्हील्स लगी हुई है. मुझे तो नहीं लगता कार वैन के अलावा किसी में भी व्हील्स लगी हुई है, ये वाला है ना. तो यहाँ पे द आंसर विल बी कार वैन. ओके, सो कार वैन में क्या होता है, कैसा घर होता है, ये इस व्हील्स लगा हुआ घर होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. ये यहाँ के प्लेस की ज़रूरत है. एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दीज हाउसेज, दैट अकॉर्डिंग टू द नीड दे यूज़ दीज हाउसेज एज देर इज़ अ फ्लडी एरिया. ओके, जहाँ पे फ्लड ही फ्लड होगा, पानी ही पानी होगा, बाढ़ होगा, है ना, वहाँ पे हम कैसा घर यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. मतलब ऐसा घर यूज़ करेंगे जो बोट पे बनाया जा सके, जहाँ बर्फ ही बर्फ होगी वो वहाँ पे बर्फ के अनुकूल घर बनाएंगे, है ना. जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे उसके अनुसार, मीन्स जहाँ पे हम रहने जाएंगे वहाँ, या फिर जहाँ के लोग जैसे कंडीशंस पे होंगे वो उस अकॉर्डिंग घर को बनाते हैं. ओके, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रही हूँ. देन सेकेंड नंबर, अ हाउस बोट इज अ हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है, अ हाउस बोट क्या होती है, वो घर होता है जो कि नाव के ऊपर बनाया जाता है और वो पानी में एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है. ये है हाउस बोट आपकी. ओके, ये वाली है हाउस बोट आपकी, जो कि जहाँ पे बहुत सारा पानी ही पानी होता है जिस जगह पे, उस जगह पर अपने जीवन को आसान बनाने के लिए वो लोग हाउस बोट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे अभी की रिसेंट कंडीशंस पे एक राज्य है ना, तो वहाँ पे जैसे चेरापूंजी मौसम हो गया, वहाँ पे हमेशा ही बारिश की कंडीशंस होती हैं. तो वहाँ पे क्या, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे लोग अपनी ड्यूटीज़ पे जाएंगे, तो ऐसे घर बना दिए जाते हैं जिनमें रहना और जिनमें अपने काम को, है ना, काम को चलाना आसान हो जाए. तो हाउस बोट्स ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है. फोर्थ नंबर, एंड आइग्लू इज़ अ हाउस बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्नो. ठीक है ना, तो अब आइग्लू क्या होता है, आइग्लू ये है. ठीक है, आइग्लू ऐसा घर होता है जो कि बर्फ का यूज़ करके बनाया जाता है. देखो, जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ पे बर्फ के अलावा तो कुछ होती नहीं है, ईंट बालू रेत तो कुछ होता नहीं है, तो इंसान कहाँ से सामान लाएगा. तो यहाँ पर ठंडी हवाओं से और निम्न तापमान, जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो माइनस में होता है, -50, -40, -60, है ना, ऐसे टेम्परेचर होता है माइनस यहाँ पे. तो अगर सोचो दिसंबर के मंथ में यहाँ पे 11 डिग्री 10 डिग्री होता है तापमान, तो इतनी ठंडी लगती है, हम सर से लेके पैर तक
सॉक्स भी पहन लेते हैं, कैप भी पहन लेते हैं, दो दो तीन तीन स्वेटर्स भी पहन लेते हैं। तो सोचो जहाँ पे आइस ही आइस होती है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसे होता होगा, वहाँ के लोग कैसे वहाँ पे रहते होंगे, है ना। तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे वहाँ पे रहने के लिए। तो और अक्सर ये आइग्लूज़ पता है किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो जो सीमा पर होते हैं, जो जवान होते हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों में सैनिक लगे हुए होते हैं, वो आइग्लूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको सीमा की सुरक्षा करनी हुई होती है। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा मीन्स बॉर्डर, वहाँ पे बॉर्डर पर सुरक्षा करनी होती है, तो ये आइग्लूज़ बना के उस पर रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे नॉर्मली वैसे कोई नहीं रहता है, है ना, वहाँ पे वही लोग बस रहते हैं। पर हाँ, ऐसा भी है कि जिनको किसी चीज़ की खोज करनी होती है ना, या कोई पर्वतारोही हैं जिनको पर्वतों पर चढ़ना रहता है ना, और बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ खोज करनी है, या फिर जैसे आपने सुना होगा कि ये इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, तो क्या माउंट एवरेस्ट में नहीं होते हैं बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पे, है ना। तो ये आइग्लू बना के ही वहाँ पे रहते हैं, जिससे अपने आप को ठंड से बचाया जा सके, है ना। तो बहुत सारा लेक्चर हो गया आइग्लू पे। चलिए नाउ फिफ्थ नंबर, अ हट इज़ अ स्मॉल हाउस मेड अप ऑफ मड स्टिक्स एंड स्ट्रॉ। आप देख सकते हैं ये जो हट है, ये जो हट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे घरों के आसपास सीधी एरिया में या फिर किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेजेस एरिया में, यू कैन सी दीज हट्स, ओके, दैट आर मेड फ्रॉम मिट्टी, है ना, मड, स्ट्रॉ मीन्स घास के, घास और घास के तिनके, है ना, और किससे बनते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करके ये बनाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इन विलेज एरियाज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ स्टिक्स एंड मड, ओके। अभी भी गाँवों में सबके घर सीमेंटेड नहीं होते हैं, होते हैं, अब तो बहुत जगह पे होने लगे हैं, लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं होता है वो ऐसे ही घरों में रहते हैं अभी भी, है ना, ये नॉर्मल बात है। आपने देखा भी होगा आपके गांव में भी ऐसे घर होते होंगे, हट जिसको झोपड़ी बोलते हैं। नाउ सिक्स्थ नंबर, डैश डैश इज बिल्ड अमंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ट्री हाउस की बात यहाँ पे की जा रही है। अ ट्री हाउस इज बिल्ट अमंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री। ट्री हाउस क्या है, ये है ट्री हाउस, क्या है ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ट्री हाउस ये है ट्री हाउस, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा सा पेड़ होता है ना, उसके मोटे स्टेम्स का सहारा लेके वहाँ पे घर बनाया जाता है। ये देखो स्टेम के ऊपर ये घर बनाया गया है, बनाना तो बहुत कठिन होता होगा और यहाँ पे रहना भी बहुत कठिन होता होगा, लेकिन फिर भी इंसान सब कुछ कर सकता है, है ना, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान ने कंप्यूटर बना दिया तो घर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। तो और इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को खोज कर भी निकाल लिया है, है ना। तो ये घर बनते हैं मोटे मोटे पेड़, बड़े बड़े जो पुराने पेड़ होते हैं या बड़े पेड़ होते हैं, उनकी शाखा, उनके मोटे मोटे जो तने होते हैं, उनका सहारा लेकर ये घर टिकाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब सोचोगे मैम अगर बारिश बहुत तेज़ हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो यस इट कैन बी हैपन। अगर आंधी तूफान आएगा तो पेड़ ही गिर जाएगा, तो घर तो गिर ही जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जब आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये घर गिरते नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे, ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब ये है ना, ये सब टेम्परेरी होते हैं, ये इनमें टूट फूट होती है ना, इनमें सब कुछ होता है ना, ये सब टेम्परेरी होते हैं, अपना काम चलाने के लिए बनाए जाते हैं, ओके। देन सेवन्थ नंबर, अ स्टिल्ट हाउस इज़ अ हाउस बिल्ड ऑन वुडन पोल्स। अब ये देखो स्टिल्ट हाउस इस तरह के होते हैं, है ना, सेवन्थ नंबर में स्टिल्ट हाउस है। स्टिल्ट हाउस इस तरह के होते हैं जो लकड़ियों के पोल्स, मोटे मोटे पोल्स जो होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे लकड़ियों के पोल्स होते हैं जिनके ऊपर ये घर बनाया जाता है, ठीक है, जिनके ऊपर ये घर बनाया जाता है, ये पोल्स के ऊपर, ठीक है ना, इस पोल्स पे ये टिका हुआ होता है। ये पोल्स कई सारे हो सकते हैं। आपने अगर आप जयपुर गए होंगे या फिर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पोल्स पे टिका हुआ एक रूम बना हुआ है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, पर ये अभी यहाँ पे स्टिल्ट हाउस देख लो, जो मोटे मोटे पोल्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर घर बनाया जाता है ना,
हालांकि ये मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होते हैं, गिरने को तो कोई भी घर गिर जाता है, है ना। तो स्टील हाउस ये होते हैं जो लकड़ियों का के पोल्स का इस्तेमाल करके फिर ऊपर उसके घर बनाया जाता है, ठीक है। नाउ द 8th नंबर, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इज अ टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग सेवरल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट ये होती है, इसमें कई सारे लोग रहते हैं, इसमें 100, 200, 300 जितने घर बनाए जाएंगे इसके अंदर, है ना, फ्लोर्स में बनाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, मतलब 20-30 मकान रहेंगे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, है ना। इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, है ना। ये सब जगह पे जो होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जगह कम होती है लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के, और लोगों को कहाँ भगाया जा सकता है ना, तो क्या करते हैं ये लोग, ये लोग घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर ऐसे स्टोरी स्टोरी करके बनाते जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सके। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। एक एक घर में एक फ्लोर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका कमरा अलग अलग होता है ना, एक ही घर में नहीं रहते हैं वो, अलग अलग रूम्स में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते हैं अपने अपने में, है ना। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। देन 9th नंबर, अ बंगलो इज़ अ सिंगल स्टोरी हाउस यूजुअली विद अ गार्डन एंड गराज, ठीक है। बंगलो ये होता है, आप लोगों में से कई लोगों के पास बंगलो होगा, अपना खुद का घर होगा बड़ा सा, जिसमें गार्डन होगा और उसमें गाड़ी रखने के लिए गराज भी होगा, है ना। और उसमें आप सिंगल फैमिली, मतलब आप, आपके मम्मी पापा और दादा दादी रहते होंगे, या दादा दादी नहीं रहते होंगे तो आप और आपके मम्मी पापा रहते होंगे, ओके। सो बंगलो वो होता है जो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं और उसमें रहते हैं, ओके। सो होप कि द टाइप ऑफ हाउसेस यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउसेस, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।